और अगले आधे घंटे तक आप हमसे कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, जान सकते हैं कि आपके लिए बाजार में कमाई के मौके कहां पर बन रहे हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1803545। इसके अलावा आप 01204258237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले देखते हैं आज पूरे दिन कमोडिटी मार्केट में किस तरह की हलचल रही है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ग्वार सीड का वायदा 56 रुपए से ज्यादा बढ़ा है और 4300 के ऊपर बंद हुआ है। ग्वार गम 98 रुपए बढ़कर 9250 के स्तर पर बंद हुआ और चना वायदा 54 रुपए बढ़कर 3979 के स्तर पर बंद हुआ है। तो जोरदार तेजी आज एग्री वायदा के कुछ काउंटर में यहाँ पर देखने को मिली है और मार्केट में अच्छी मजबूती के साथ आज ट्रेड हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें सोयाबीन की तो यहाँ पर 10 रुपए की नरमी, सोया तेल अभी करीब 2 रुपए ऊपर है और सरसों का वायदा 4 रुपए नीचे 4210 के स्तर पर आज बंद हुआ है। ये आप देख रहे हैं कमोडिटी मार्केट का सबसे ताज़ा अपडेट। जीरा वायदा 25 रुपए नीचे बंद हुआ है। टर्मरिक में आज बड़ी तेज़ी हमने देखी है, 0.3% ये वायदा उछला है, 6670 के स्तर पर बंद हुआ है और कोरिएंडर का वायदा 116 रुपए नीचे आज क्लोज हुआ है ऊपर और 5281 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। साथ ही अगर बात करें मेटल मार्केट की तो मेटल में आज हालांकि कोई बड़ा एक्शन नहीं है, कॉपर मामूली गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है, जिंक और निकल में मामूली बढ़त है या आप यूं कह सकते हैं कि एक रेंज बाउंड ट्रेड यहां पर देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा लेड दबाव में है, एल्युमिनियम में थोड़ी सी तेज़ी है और नेचुरल गैस मामूली गिरावट के साथ 221 के नीचे इस वक्त ट्रेड कर रहा है। और अब आपको दिखाते हैं कि आज का गोल्ड का स्पॉट प्राइस क्या है। 24 कैरेट गोल्ड का रेट है 30,755 रुपये, 22 कैरेट गोल्ड का रेट है 28,309 रुपये और 18 कैरेट गोल्ड का रेट है 23,179 रुपये। ये आज का गोल्ड का बेंचमार्क प्राइस है। अगर आप गोल्ड खरीदने जा रहे हैं तो इस रेट को आप नोट कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि जो बारिश हुई है पिछले 2-3 दिनों में देश के कई राज्यों में, उससे फसल के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, कितना नुकसान हुआ है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और जो हमें जानकारी मिली है वो ये कि पंजाब और हरियाणा में धान और कॉटन की फसल को नुकसान हुआ है। 2 दिन में भारी बारिश से ये नुकसान होने की आशंका यहाँ पर जताई गई है। आज हमने पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर से बात की थी, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की और उन्होंने कहा कि नुकसान हुआ है। एक्चुअल डेटा के लिए सर्वे चल रहा है और धान की जो किस्म की 1509 किस्म की यील्ड है इसमें 30% तक की गिरावट यहाँ पर की आशंका जताई जा रही है और कॉटन की यील्ड पर 10% तक का असर पड़ सकता है, इस बात की आशंका जताई गई है क्योंकि खेतों में पानी जमा होने से फसल को नुकसान हो रहा है। लेकिन ये नुकसान इसलिए हुआ है कि पिछले 2-3 दिनों में भारी बारिश हुई है और भारी बारिश के जो आंकड़े हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। 62% ज़्यादा बारिश सोमवार को हुई है देश में सामान के मुकाबले, उसका इम्पैक्ट हमने देखा है। उत्तर पश्चिम में 450% ज़्यादा बारिश सोमवार को हुई है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, इन राज्यों में भारी बारिश हुई है और आप तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं कि फसलों को किस तरह से, जो तैयार फसलें थी खेत में उसको कितना बड़ा नुकसान यहाँ पर पहुँचता हुआ दिख रहा है। हिमाचल प्रदेश में आज भी बारिश की आशंका जताई गई है। तो कुल मिलाकर जो 2-3 दिनों में बारिश के हालात थे उसने फसल को डैमेज किया है। और अब आपको ये बताने जा रहे हैं कि जहाँ पर 3-4 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है और इससे ना सिर्फ फसलों को नुकसान हुआ है बल्कि और भी जो यहाँ पर चीज़ें हैं उसको नुकसान हुआ है। आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, पंजाब में सोमवार को सामान्य के मुकाबले 1193% ज़्यादा बारिश हुई है। हरियाणा में 900% ज़्यादा, दिल्ली में 627% ज़्यादा, राजस्थान में 556% ज़्यादा और यूपी में 76% ज़्यादा बारिश हुई है और इसका बड़ा इम्पैक्ट जो है वो क्रॉप के ऊपर पड़ा है। हमारे साथ अनुज गुप्ता हैं एंजल कम्योडिटी के और साथ ही आस्था जैन हैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अनुज, क्या मतलब निकाला जाए जो ये बारिश हुई है और जो नुकसान हुआ है,
क्या कुछ प्राइस के ऊपर भी अभी इम्पैक्ट देख रहे हैं? देखिए मृत्युंजय जी, डेफिनेटली बारिश का जो असर है वो क्रॉप पे रहेगा। अगर हम देखें तो ग्वार सीड हो गया, या अगर हम धान देखें या फिर कॉटन हो गया, तीनों ही कमोडिटी ऐसी हैं जिनकी अब अराइवल मंडियों में स्टार्ट हो सकती है, और इस टाइम तीनों ही क्रॉप हैं वो इस टाइम रेडी खड़ी हैं। मुझे लगता है अगर ज़्यादा बारिश होती है तो तीनों ही कमोडिटी में असर देखने को मिलेगा। और हम देखें तो बारिश की वजह से हरियाणा और पंजाब की जो मंडियाँ हैं वहाँ पर अराइवल जो है वो इम्पैक्ट हुई है, और अराइवल आनी अभी बंद हो गई है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि जो भाव है वो ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई दिए। तो अगर ज़्यादा बारिश होती है तो हो सकता है कि जो फसल रेडी है उसको भी यहाँ पे नुकसान पहुँचता हुआ दिखाई दे, और हम देखेंगे कि अब एंड में जाकर जो भाव है वो ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। आपका क्या एनालिसिस है आस्था जैन इसके ऊपर? डेफिनेटली जो बारिश हुई है उसकी वजह से यहाँ पे में हमें इजाफा देखने को मिल सकता है। ग्वार की बात करें, राजस्थान मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है, और जिस तरह से यहाँ पे सामान्य से कहीं ज्यादा बरसात हुई है फसल के खराब होने का खतरा है, और उसी वजह से हमें आज की लास्ट ट्रेडिंग में जो एक उछाल देखा है प्राइजेस का वो उसी का नतीजा है। गोइंग फॉरवर्ड में यहाँ पे ग्वार में थोड़ा सा बुलिश, ग्वार में ऐसा लगता है प्राइजेस यहाँ से आगे और यहाँ से बढ़ सकती है, और ग्वार की में मेरी तरफ से अभी भी बाइंग का कॉल रहेगा। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट आप देख पा रहे हैं और इसका एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आपको प्राइस के ऊपर भी दिख सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब रुक करते हैं एक एक्सक्लूसिव खबर की, और खबर ये है कि आज नीति आयोग में कमोडिटी मार्केट के ऊपर एक अहम बैठक हुई है, जिसमें इस बात पर चर्चा हुई है कि किस तरह से किसानों की भागीदारी वायदा बाजार में बढ़ाई जाए, ये जानकारी हमें मिली है। और साथ ही इस बात पर चर्चा हुई है कि जो प्राइस यहाँ पर एग्री कमोडिटीज़ के हैं वो जो एमएसपी के नीचे आए हैं, इसको किस तरह से एमएसपी के लेवल पर लाया जाए। इस बैठक में सेबी, एनसीडीएक्स और ट्रेड इंडस्ट्री के लोग मौजूद थे, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एफ्टा के सेक्रेटरी, ऑल इंडिया फ्यूचर ट्रेड एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुनील बलदेवा जुड़े हैं, और ये खुद इस बैठक में शामिल थे। सुनील जी, स्वागत है आपका। क्या क्या बातचीत हुई है इस बैठक में? और सुनील, आपको आवाज आ रही है? लगता है उन तक बात अभी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि इस बैठक में इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई है कि कई फसलों के दाम मिनिमम सपोर्ट प्राइस के मुकाबले नीचे चल रहे हैं, तो कैसे उसको उस लेवल पर लाया जाए, या फिर क्या मैकेनिज्म तैयार किया जाए कि दाम एमएसपी के मुकाबले ज्यादा ना गिरें, इसको लेकर इस बैठक में बातचीत हुई है। देखना होगा कि आगे इस मुद्दे पर किस तरह के फैसले लिए जाते हैं। हमारे साथ सुनील बलदेवा जुड़े हैं, जो खुद इस बैठक में शामिल थे। सुनील जी, स्वागत है आपका, और क्या क्या चर्चा हुई है इस बैठक में? इनमें मेन पांच बिंदुओं पे चर्चा हुई। एमएसपी से नीचे इंपोर्ट, गवर्नमेंट ये सुझाव हमारा भी माननीय है, गवर्नमेंट को समझाया कि एमएसपी से नीचे जो भी इंपोर्ट है, जैसे मसूर का इंपोर्ट एमएसपी से नीचे आज भी हो रहा है, उसको बंद किया जाए। नंबर दो, जो मटर का स्टैंड है वो पहले से ही बढ़ा दिया जाए उसको, ताकि कहीं कंफ्यूजन नहीं रहे। मटर भी गवर्नमेंट नहीं चाहती आए, और चने का सपोर्ट गवर्नमेंट चाहती है कि एमएसपी के नीचे हुए, क्योंकि गवर्नमेंट को ये कंसर्न था कि आने वाली फसल में चना फिर वापिस जो है गवर्नमेंट को एक बड़ी मात्रा में लेना पड़ेगा, और चने का प्राइस जो है अभी भी एमएसपी से नीचे चल रहा है। तीसरा, गवर्नमेंट चने का और दाल का और बाकी दालों का एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए सुझाव मांगी थी, उसका सुझाव दिया गया, और गवर्नमेंट इसके आश्वासन पूरा दिया है कि उस पर कुछ निर्यात का इंसेंटिव देकर भी इसको एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा। अच्छा, और किसानों का और मिलर्स का एक्सचेंज में भागीदारी के लिए भी काफी चर्चा हुई, क्योंकि सेबी से और एक्सचेंज से भी अधिकारी मौजूद थे, तो उसमें जो गिरत एक्सचेंज का जो वॉल्यूम लगातार गिरता जा रहा है उस पर काफी चर्चा हुई, उस पर काफी चिंता जाहिर की गई, और एक्चुअल जो पार्टिसिपेट है किसान, मिलर और ट्रेडर, उनका पार्टिसिपेट कैसे बढ़े, इस पे बैठ के विचार विमर्श करके इस पे निर्णय लेने की प्रयास करने की। तो जो सुझाव आप लोगों ने दिए हैं इस पर कब तक अमल किया जाएगा, कुछ भरोसा नीति आयोग की तरफ से दिया गया है आप लोगों को? जी, नीति आयोग ने ये कहा है कि इस पे जल्दी हम निर्णय लेके कंसर्न डिपार्टमेंट से चर्चा करके इस पे जल्दी निर्णय लेंगे। अच्छा, ठीक है, चलिए शुक्रिया आपका सुनील इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आप बात करते हैं कच्चे तेल की, जहां पर एक बड़ी तेजी का माहौल बनता हुआ दिखा है, और आज इंट्राडे में ब्रेंट क्रूड ने $82 प्रति बैरल के स्तर को पार किया है। इस वक्त मार्केट थोड़ा उस लेवल से नीचे है, लेकिन अभी भी बाजार तेजी के मूड में ही है,
और एमसीएक्स पर कच्चा तेल 5275 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। अनुज, क्या आज के लिए क्रूड में बाई करके चलना ठीक रहेगा या फिर आपको लगता है कि आप मार्केट ऊपरी लेवल से थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा है तो अभी वेट करना चाहिए बाइंग के लिए? देखिए मृत्युंजय, क्रूड का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, तो मुझे लगता है कि मार्केट पॉजिटिव टेरिटरी में ही रहेगा। हालांकि अगर जो भी डिप मिलता है तो वहाँ पे बाइंग करके चलना चाहिए। हमें लगता है कि अगर भाव यहाँ से 10 से 20 रुपए गिरते हैं तो बाय करके चलें। हमें लगता है कि टारगेट ऊपर करीबन 5350 से लेकर 5370 तक देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस 5170 पे लगा सकते हैं। हमें लगता है कि क्रूड के अंदर और नेचुरल गैस दोनों ही कमोडिटी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है एनर्जी सेक्टर में, तो हमें लगता है कि दोनों के अंदर ही बाइंग साइड में पोजीशन बनानी चाहिए। ठीक है, चलिए वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला। अगर आपके पास भी कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हो और आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बन रहे हैं तो आप कॉल करिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1803545। इसके अलावा आप 0120-4258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला और पहला सवाल है अमित का, रांची से हमारे साथ जुड़े हैं। पूछिए अमित। मैंने 5 लॉट क्रूड का सेल किया है 213 पे, तो मैं जानना चाहता हूँ कि 1 अक्टूबर लॉट में मैंने सेल किया है तो क्या मुझे वेट करना चाहिए कि मेरा कट टू कॉस्ट प्राइस आ जाएगा या फिर मुझे कुछ लॉस बुक करना पड़ेगा? अच्छा सवाल है आपका। वैसे 213 के भाव पर 5 लॉट आपने सेल किया था, अनुज क्या करना चाहिए इनको? देखिए मुझे लगता है कि नेचुरल गैस में जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। हालांकि अभी भाव 223 से नीचे करीबन 220 तक आए हैं, तो अगर भाव नीचे एक बार 17-18 की रेंज में मिलते हैं तो वहाँ पे एग्जिट कर लें, क्योंकि हमें लगता है कि जो ट्रेंड पकड़ा है नेचुरल गैस ने वो पॉजिटिव है। और थोड़ा सा डिप आज जरूर मिला है, तो अगर थोड़ा सा डिप और मिलता है 2-3 रुपये का डिप और मिलता है तो निकल जाए। अदरवाइज इनकी जो टोटल पोजीशन है इसमें ये करीबन 223 का स्टॉपलॉस लगा सकते हैं और वहाँ से फिर बाइंग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, लक्ष्मण है सुजानगढ़ से, पूछिए लक्ष्मण। जी सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर जी अक्टूबर वाइज है गुवाहाटी सीड का 4500 बार फिर बाई किया हुआ है तो ये एक्सपायरी तक 6000 या 5000 का भाव दिखाएगा? 4500 के भाव पर आपकी बाइंग है, मार्केट 4300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आप जानना चाहते हैं कि 5000 तक भाव जाएगा या नहीं, क्या आपका व्यू है आस्था जैन ग्वार को लेकर? जिस तरह से खबरों की वजह से आज हमने तेजी देखी है, बरसात हुई है उसकी वजह से फसल खराब होने की वजह से, लेकिन शॉर्ट टर्म में एक बार 4500 तक ही जा सकता है जो यहाँ से एक रैली आई है 4500 तक जा सकती है। 5000 का भाव अभी दूर लगता है। यहाँ पे मैं पहला टारगेट सजेस्ट करना चाहूंगी 4500 का, अगर वो ब्रेक होता है तो 1400 तक भी जा सकता है, पर शॉर्ट टर्म में 5000 के लेवल अभी दूर लगते हैं। सुधीर कुमार है भिवानी से, पूछिए सुधीर। सर मैं सुधीर कुमार बोल रहा हूँ शिवानी मंडी से। जी जी बोलिए बोलिए सुधीर जी। सर मृत्युंजय जी मैं ये पूछ रहा हूँ ये जो ग्वार के आईडीए गवर्नमेंट ने भेजी है राजस्थान ने फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट, इन्होंने तो 1.5 करोड़ बोरी का उत्पादन दे दिया और एक एक्चुअल में 5 क्विंटल ग्वार बता रहे हैं ये, और एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट ये है कि 50 लाख से बोरी फालतू है नहीं, पहले बारिश ही नहीं हुई है, बारिश होगी तो सिस्टम सारा खत्म हो गया है, तो ये गवर्नमेंट झूठे आंकड़े क्यों पेश कर रही है जी, मेरे को ये बताओ। सर इस पे तो मैं कुछ कर नहीं सकता, ये सरकार ने आंकड़े जारी किए का अपना सर्वे होगा, लेकिन ये बात ठीक है जो बात आप कह रहे हैं, ट्रेड के लोग ये कहते हैं कि उत्पादन कम होगा क्योंकि पिछले एक महीने से जो बुआई वाले इलाके हैं वहां पर बारिश काफी कम थी जिससे फसलों को नुकसान हुआ है। अनुज आपके पास क्या रिपोर्ट है ग्वार को लेकर? देखिए हमारे पास भी सेम ही रिपोर्ट है, जैसे हमने फिजिकल में मंडी में लोगों से बात की है तो वो भी यही बोलते हैं कि जो प्रोडक्शन है वो इस बार पहले के मुकाबले कम है। हालांकि जो कैरी ओवर स्टॉक है पहले का वो ज़्यादा है, जिसको मिला के अगर हम ओवरऑल देखें तो वो प्रोडक्शन की फिगर निकल कर सामने आती है, बट जो करंट क्रॉप है वो इस बार पिछले साल से कम है। ठीक है अनुज, आज से फेड की मीटिंग शुरू हो रही है 2 दिन की और माना ये जा रहा है कि इस बैठक में ब्याज दरें बढ़ सकती हैं, तो क्या आपको लगता है कि ऐसे में गोल्ड में अभी बाइंग अवॉइड करनी चाहिए, सेल करके चलना चाहिए? देखिए मृत्युंजय जी, गोल्ड में अगर देखें तो डोमेस्टिक मार्केट में अगर हम एमसीएक्स की बात करें तो इंडियन रुपीस डेप्रिसिएशन की वजह से हमने एक तेजी आते हुए देखी है। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में देखें, कॉमेक्स में देखें, तो भाव वहीं पर स्टेबल हैं, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट का डिसीजन जो भी आता है उस टाइम थोड़ा सा नीचे रिएक्शन मिले, बट ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो भाव अपने ऑटोमेटिकली अगर हम देखें तो एक सपोर्ट लेवल पर है, जहाँ से मुझे लगता है कि यहाँ से ज़्यादा डाउनसाइड देखने को नहीं मिलेगा। अगर जो भी रिएक्शन आता है एफओएमसी मीटिंग का, हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा प्ले, मगर हमें लगता है कि अगेन मार्केट इन्हीं लेवल्स पे स्टैंड होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, संजीव हैं हमारे साथ अमृतसर से, पूछिए संजीव।
नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। 183 पर आपने 5 लॉट प्लस किया है, मार्केट अभी 184 के ऊपर है। आस्था जैन, इनको अभी रुकना चाहिए, कुछ और तेजी आप देख रही हैं जिंक में? जी बिल्कुल, जिस तरह से लास्ट वीक चार्ट्स में काफी अच्छा बाउंस बैक आया है ऊपर में 186 शॉर्ट टर्म में, और थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू रखते हैं। अगेन मीडियम टर्म में मैं यहाँ पे जो सजेस्ट कर रही हूँ वो 15-20 दिन या महीने भर के लिहाज से रखते हैं, तो 191 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। पर पहला एक 186 का यहाँ पे टारगेट सजेस्ट करूंगी, होल्ड करें अपनी पोजिशन। ठीक है, उत्कर्ष जैन है दिल्ली से, पूछिए जैन साहब। सर बेस मेटल में क्या ट्रेड करें नया और क्रूड मेटल में क्या ट्रेड करना चाहिए ये आप जानना चाहते हैं। 459 के आसपास है एमसीएक्स पर कॉपर का भाव, और आप ओवरऑल मेटल का आउटलुक जानना चाहते हैं। अनुज बताएं, एक तो आउटलुक बताएं और दूसरा आप ये बताएं कि अगर अभी ट्रेड करना हो तो कौन सा काउंटर सबसे ज्यादा एट्रैक्टिव है। देखिए मेटल्स का आउटलुक पॉजिटिव है, मगर अगर हम आज देखें तो मॉर्निंग से ही मार्केट थोड़ा सा प्रेशर में है, थोड़ा एक रेंज बाउंड दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर आज पर्टिकुलर ट्रेड करने का विचार है तो निकल थोड़ा डिप मिलता है 925 के आसपास तो बाय कर सकते हैं। टारगेट ऊपर देखें तो 960 तक हो सकता है, स्टॉप लॉस 910 पे लगा सकते हैं। ठीक है, 910 का आप कह रहे हैं कि स्टॉप लॉस लगाएं, और 960 का टारगेट होगा, 925 के स्तर पर आप बाइंग कर सकते हैं। अनुज, ये टारगेट जो आपका है 960 का, ये कब तक का टारगेट है, कितने दिनों का? देखिए ये 2 दिन का टारगेट रहेगा आज के, और 2 दिन में हमें लगता है कि टारगेट अचीव होना। ठीक है, पवन है चंदौसी से, पूछिए पवन। अक्टूबर में था 2 लॉट 1660 रुपए की बाई एम सी, और इसमें बड़ा एसएल में क्या लगाऊं अक्टूबर में, क्या ऊपर नीचे को देखने का मिलेगा मुझे, क्या हाई रेंज पोजीशन के लिए जो स्टॉप लॉस रहेगा जो कि अभी करीबन 1664 रुपए चल रहा है अक्टूबर वाला कॉन्ट्रैक्ट, तो ये करीबन 1550 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। हमें लगता है कि भाव 1750 तक वापस रिट्रेट हो सकते हैं। ठीक बात, 1644 के स्तर पर आज ये काउंटर बंद हुआ है, करीब करीब 0.25% की गिरावट के साथ यहाँ पर आज ये काउंटर बंद हुआ है, और यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से दबा भी है इस काउंटर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्री मार्केट को देखते हैं, चने की बात कर लेते हैं। लंबे समय के बाद चना वायदा आज इतना बढ़ा है। आस्था जैन, क्या व्यू है आपका चने के ऊपर, कल का मार्केट कैसा रहेगा चने का? बेसिकली सरकार हर कोशिश कर रही है यहाँ पे कि प्राइसेस थोड़ा सा संभले, और ये भी बात आ रही है कि यहाँ पे जो ड्यूटी क्रेडिट इंसेंटिव्स है एक्सपोर्ट पे वो भी लगाने की बात है। 7% ऑलरेडी चल रहा है, उसको 15% तक करने की बात चल रही है। और क्योंकि अगर ऐसा लगता है टेक्निकली भी देखें तो 2-3 हफ्तों से एक रेंज में ये कारोबार कर रहा है, 3750 से लेके 4250 के बीच में राउंड बॉटम फॉर्मेशन एक चार्ट पे क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से बायसनेस थोड़ा सा अपसाइड की तरफ लग रही है। मेरा यहाँ पे एक आइडिया है कि 4005 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो 4100 तक भी प्राइसेस जा सकती है। शॉर्ट टू मीडियम टर्म में यहाँ पे तेजी की सलाह देना चाहूंगी। अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का, जहां पर हमारे दोनों जानकार आपको ये बताएंगे कि इनकी पसंदीदा कॉल आज के लिए कौन कौन सी है। अनुज, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। हमारी पहली रैपिड फायर कॉल सिल्वर में रहेगी, सिल्वर बाय करके चल सकते हैं, ऊपर टारगेट करीबन 38,200 तक मिल सकता है। आपकी रैपिड फायर कॉल आस्था? निकल में बाइंग की सलाह रहेगी 953 के टारगेट के लिए। आपकी आखिरी कॉल? आखिरी कॉल हमारी भी निकल में ही है, हमें तो निकल बाय करके चलना चाहिए, ऊपर टारगेट 960 तक मिल सकता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप अनुज आपका, और आस्था आपका भी हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी में कहाँ पर कमाई के मौके बन रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।